पिछले 41 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया ने बुधवार की सुबह दिल्ली एम्स में अपने प्राण त्याग दिए। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। पिछले 41 दिन से वेंटिलेटर पर रहने के बाद बुधवार की सुबह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजू श्रीवास्तव के मौत की खबर सामने आने के बाद से ही हर कोई नम आंखों से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दे रहा है। सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि यह बहुत बड़ी क्षति है कॉमेडी जगत के लिए, कला जगत के लिए और राजनीति के क्षेत्र में। वह प्रत्येक क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहे थे। उनके पूरे परिवार के साथ यह देश की अपूर्णीय क्षति है। वह एक अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, अच्छे पति और एक अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा कि आज मैं उनकी मौत से स्तब्ध हूँ। मैंने अपना भाई खोया है। हम लोग 30 सालों से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी थे। मुंबई में शुरुआती दिनों में उनका भी संघर्ष चल रहा था और मेरा भी। हम दोनों ने बहुत समय साथ साथ गुजारा। उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि उनकी हालत में भी सुधार हो रहा था। उनकी बिटिया व अन्य परिजनों से लगातार बात हो रही थी। अचानक उनके चले जाने की खबर से मैं स्तब्ध हूँ। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने। मुंबई शहर पहले बंबई हुआ करता था, तब का साथ रहा 30 साल। साथ में मकान खरीदा। हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहाँ पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे और आँख खोल दी है, लेकिन ईश्वर की ना शराब ना सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने, इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे और हमेशा हंसाना उन्होंने हंसाते रहे, वही यादें रहीं। जब पार्टी में भी आए तो बीजेपी में साथ रहे, तो उन्होंने वहाँ पर फिल्म उद्योग में आए फिल्म बंधु को अच्छे से संभाला। आज काफ़ी फिल्मों की शूटिंग होती रही। पिछले 2 महीने पहले हम लोग साथ में थे एक मंच काशी में, जहाँ सब्सिडी दी जा रही थी। 2-3 दिन साथ रहा, हंसते रहा, कभी देख के उनको लगा नहीं था और अचानक आज ये खबर आई है।